नमस्कार, आप देख रहे हैं बैंकर न्यूज़। मैं पिंकी सहगल फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड बुलेटिन की। रिलीज से पहले ही कंगना की फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंगना की इस फिल्म को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कंगना रनौत के सामने एक बड़ी शर्त भी रखी है, जिसमें कहा गया है कि रिलीज होने से पहले फिल्म उन्हें दिखाई जाए। दंगल जैसी दमदार फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक नितेश तिवारी इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं। जी हां, नितेश तिवारी जब से अपनी फिल्म रामायण की अनाउंसमेंट की है, तब से लोगों की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर इस फिल्म में साथ नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म के 2023 के मिड में रिलीज होने की उम्मीदें हैं। करीना कपूर की कई तस्वीरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उनका टमी कुछ बड़ा दिख रहा है। इसके बाद से लगातार फैंस की तरफ से उनके तीसरी बार प्रेग्नेंट होने के कयास लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें और उनके हस्बैंड सैफ को ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस पर अब खुद करीना कपूर ने वायरल फोटो पर रिएक्शन दिया। उन्होंने ना केवल खबरों को गलत बताया बल्कि ट्रोलर्स को मजेदार जवाब भी दिया। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की अगली फिल्म बबली बाउंसर्स की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर फिल्म बवाल का एक अपडेट सामने आया है। फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने सोशल मीडिया पर वरुण का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो फिल्म के अगले शेड्यूल के लिए पोलैंड रवाना हो रहे हैं।